जय मीरा बाबा की। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे दो काम बताऊंगा जिससे कि आपके मीरा साहब को चाहने वालों के, जैन कबीर के मानने वालों के जिंदगी में और उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी। प्यारे दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा कि बुधवार और शनिवार को मीरा साहब जैन कबीर के दरबार पर चिरागी लगाई जाती है। छोटे बड़े सभी स्थानों पर बाबा जी के चिरागी लगाई जाती है। घरों में भी बाबा जी की चिरागी व पूजा पाठ बंदगी की जाती है, क्योंकि यह दो दिन मीरा साहब जैन कबीर के दिन है। इन दोनों दिनों में बाबा जी हाजिर नाजिर होते हैं। तो अगर आप यह बुधवार और शनिवार को यह दोनों काम करते हैं तो आपके घर में यकीनन सुख शांति बनी रहेगी। तो वह कौन से दो काम हैं जो इन दो पवित्र दिनों में करते हैं तो यकीनन सुख शांति आपके घर में जरूर आएगी। जल्द ही ये पवित्र दिन आएंगे और आते ही रहेंगे, इसलिए ये वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। क्योंकि दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है, जो भटके हुए भक्त हैं उन्हें सही राह दिखाना, और जो पहले से ही सही राह पर है उन्हें बाबा जी के और करीब लेकर जाना। इसलिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें, यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी और बेहतर बन सके, क्योंकि आज के समय में हर इंसान दुखी है। हर कोई भक्त किसी न किसी वजह से दुखी है, परेशान है। कोई पैसों के लिए परेशान है, तो कोई बीमारी के वजह से परेशान है, तो किसी के घर में कलेश है। दोस्तों, मैं चाहते हूँ कि आप बाबा जी के लिए एक दिन में कुछ समय तो जरूर निकाले। तो दोस्तों, बात करते हैं बुधवार और शनिवार के पवित्र दिन की। दोस्तों, ज्यादातर भक्त ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से अपने बाबा जी के लिए समय नहीं निकाल पाते। कई भक्त अपने काम को काज में इतने बिजी हैं, या कई भक्त अपने दुखों से इतना दुखी हैं, वह कहते हैं कि हमारा तो पूजा पाठ करने में, बंदगी करने में दिल ही नहीं करता। कई ऐसे भक्त हैं जिनके सर ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, काम काजों में उलझे रहते हैं, जिस वजह से वे बाबा जी के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसके साथ ही कई भक्त ऐसे भी हैं जो बहुत बेफिक्र हैं। बुधवार का दिन आ भी जाता है और वह हाथ मुंह धोकर चिराग कर देते हैं, लापरवाही करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भक्त बाबा जी की चिरागी करते भी हैं तो इसे एक काम को समझ के करते हैं, उनका ध्यान घर के कामों में ही होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको आलसीपना और लापरवाही छोड़नी होगी। वह दो काम जिन्हें करने के बाद यकीनन आपके पूजा पाठ बंदगी में निखार आएगा और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, परेशानियां भी दूर होंगी। जो मजबूर हैं काम धंधे के कारण बाबा जी के लिए समय नहीं निकाल पाते, या फिर वो भक्त जिनके घर में कलेश है, उनके घर भी सुख शांति रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम है, नियम से रहना, नियम में रहना। क्योंकि दोस्तों, हमें चाहे आत्मिक तौर पे शांति चाहिए हो, चाहे दुनियावी तौर पे शांति चाहिए हो, इसके साथ ही चाहे कारोबार में तरक्की चाहिए हो, तो तरक्की के लिए सबसे पहला काम होता है नियम में रहना। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई नियम है, या आप बाबा जी की हाजिरी बाबा जी के नियम से रह के चलते हैं, रह के नियम में रह के लगाते हैं, तभी जिंदगी में आगे चलकर कामयाबी मिलती है, तभी घर में सुख शांति वास करती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं नियम क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए बुधवार वाले दिन किसी के घर बंदगी पूजा होती है, बाबा का चिराग लगता है, तो उस दिन भूल के भी घर में नशे का सेवन नहीं होना चाहिए। कई लोग नशा करके बाबा जी के स्थान पर चले जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि बाबा जी का ये नियम है, बाबा जी को मानने वाले भक्तों को पाक साफ पवित्र ही रहना चाहिए, खास करके बुधवार और शनिवार वाले दिन। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों दिन बाबा जी हाजिर नाजिर होते हैं। नियम के तहत आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करने के बाद पाक पवित्र होके अपने बाबा जी की आराधना और सेवा करनी है। घर में अगर कोई स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम है तो बाबा जी के भजन या कवाली चलाइए। नियम के अनुसार आप चिराग का तेल इस्तेमाल करते हो, वह झूठा नहीं होना चाहिए, मतलब कि घर का जो रसोई वाला नहीं होना चाहिए, यह सही नहीं है। जब आप घर में तेल लाते हैं तो आपको चिरागी का तेल अलग करके रख लेना है, चिरागी के हिस्से वाला तेल ही चिरागी में इस्तेमाल करना है। बाबा जी का
चिराग रोशन करके आपको अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है। हे बाबा, मुझसे हुई गलतियों को माफ करना, हम तेरे ही भक्त हैं, तेरे दर के मुरीद हैं। हमारे और हमारे परिवार के सर पे हमेशा मेहर भरा हाथ जरूर रखना, क्योंकि दोस्तों सेवा तो बाबा जी की कर रहे हो, आपकी जानकारी भी है, बस आपको ये काम नियम से करने हैं, क्योंकि ये नियम बाबा जी के बनाए हुए हैं। ये नियम शुरू से ही चलते आ रहे हैं, वो बात अलग है, आपको पता ना हो। बाकी दोस्तों, वो भक्त पूजा सेवा बंदगी तो करते हैं, पर उन्हें इसका फल मिलता नहीं है, या फिर वो भक्त जिन्हें पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता, उनकी घर की औरतें काम काज में लगी रहती हैं। तो यही भक्त या फिर घर की औरतें घर का काम करते वक्त ही बाबा जी का नाम ले सकती हैं। बाबा जी का प्रसाद बनाते वक्त भी घर की औरतें बाबा जी को याद कर सकती हैं। सुबह शाम घर में बाबा जी के भजन कव्वाली चला के रखें, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बनता है। साथ ही दोस्तों, जब आप बाबा जी का चिराग रोशन करते हो तो परिवार का हर सदस्य बुधवार और शनिवार वाले दिन पूरा परिवार अपनी हाजिरी जरूर दे। बुधवार का दिन हफ्ते में एक बार ही आता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि एक दिन बाबा जी के लिए बिताएं, क्योंकि हमारे पास जो है बाबा जी की ही देन है, हमारे बाबा जी ने हमें सब कुछ दिया है, तो अगर हम उन्हें ही भूल गए तो हमारे घर सुख शांति कैसे आ जाएगी। इसलिए बुधवार वाले दिन पूरे नियम से, शनिवार वाले दिन पूरे दिल से मन से बाबा जी की सेवा बंदगी पूजा पाठ करनी है, फिर देखना घर में कैसे सुख शांति आती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दूसरा काम है दोस्तों, विश्वास। दोस्तों, हम बाबा जी की सेवा बंदगी तो करते हैं, पर अधूरे मन से करते हैं, दिल में शंका रख के करते हैं, बाबा जी के चिराग करते हैं और ऐसे ही दुआ फरियाद कर लेते हैं, ऐसे ही दुआ सलाम कर लेते हैं। अगर हमें बाबा जी पर विश्वास होगा तो हम बाबा जी पर सब्र रख के विश्वास करेंगे। बाबा जी से जुड़ा हुआ कोई भी आपका अगर काम करते हैं तो आपको बाबा जी पर विश्वास होना भी बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। दोस्तों, ये दो काम, नियम और दूसरा विश्वास, आपने पूजा पाठ बंदगी में ले आते हैं तो जरूर आपके घर सुख शांति आकर रहेगी, कोई बुरी शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। इसलिए अपने बाबा में विश्वास बनाए रखो, वह आपका बेड़ा पार जरूर लगाएंगे। बोल मीरा बाबा की जय, बोल जैन का वीर की जय, बोल काली माता की जय। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मीरा बाबा के भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मीरा साहब जैन का वीर माँ काली से जुड़ी ही समय रहते हुए हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मीरा बाबा, जय जैन का वीर, जय काली माता, जय पांचों पीर।